Hello student, I am Rajendri from Suraj School, Rewari. Today in this video, we will continue the remaining part of chapter 7, the last day by our ending. Now let's start. Try to sleep, said Shu. Shu ne kaha, Johnsy se ki tum sone ki koshish karo, I have to paint an old miner. Mujhe ek old miner ko paint karna hai. I will call Behrman up to be my model. मुझे बेयरमैन को बुला करके लेकर आती हूँ, से मेरे मॉडल के रूप में मैं यूज करूंगी अपनी पेंटिंग के अंदर. शी रश्ड डाउन, बेयरमैन लिव ऑन द ग्राउंड फ्लोर. वो तेज गति से चल करके गई. बेयरमैन जो है ग्राउंड फ्लोर पे रहते थे. ही वॉज अ 60-year-old पेंटर. बेयरमैन 60 साल के बूढ़े पेंटर थे. हिज लाइफ ड्रीम, उसकी लाइफ का ड्रीम था, वॉज टू पेंट अ मास्टरपीस. उसकी लाइफ का ड्रीम था एक मास्टरपीस पेंट करना. बट दैट वॉज रिमेन्ड अ ड्रीम, परंतु उसका सपना अभी तक सपना ही ड्रीम ही रहा था. शू पोर आउट हर वरीज टू बेयरमैन. अब शू ने अपनी सारी की सारी जो चिंता थी, परेशानी थी, प्रॉब्लम सारी बेयरमैन को सुना डाली. शी टोल्ड हिम नाउ हाउ जॉन्सी वॉज कन्विंस दैट शी वुड डाई एट द लास्ट लीव. उसने उसको सब बता दिया कि किस तरह से जॉन्सी ने ये मान लिया है कि जब लास्ट लीफ गिरेगा तो वो मर जाएगी. इट सी स्टूपिड, आस्क्ड बेयरमैन. तो बेयरमैन ने कहा कि क्या बात है, ये लड़की स्टूपिड तो नहीं है. हाउ कैन शी बी सो फुलिश, ऐसी फुलिश कैसे हो सकती है. शी इज रनिंग अ हाई टेम्परेचर कंप्लेंट शू. तो शू ने कहा इसे बहुत ज्यादा तेज टेम्परेचर है, बुखार है. शी रिफ्यूजेज टू ईट और ड्रिंक एंड दैट वरीज मी अबाउट. इसने खाना और पीना सब बंद कर दिया है और इस चीज से मुझे बड़ी चिंता हो रही है. आई कम विद यू एंड सी जॉन्सी, बेयरमैन सेड. बेयरमैन ने कहा कि मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ और देखता हूँ, जॉन्सी को समझाने की कोशिश करूंगा. दे टिपटॉट ऑन द इन टू द रूम. टिपटॉट मीन्स बहुत ही स्लोली, विदाउट मेकिंग एनी नॉइज, वो उस कमरे में गए. जॉन्सी वॉज स्लीपिंग एट दैट टाइम. उस समय जॉन्सी सोई हुई थी. शू ड्रू द कर्टेन्स टूगेदर एंड दे वेंट टू द नेक्स्ट रूम. अब शू ने कर्टेन पूरी तरह से काट दिया और फिर वो नेक्स्ट रूम में गए. शी पीप्ड आउट थ्रू द विंडो. उसने विंडो में से बाहर झांका. देयर वॉज ओनली वन लीफ ऑन द पेपर. जब उसने विंडो में से पीप करके देखा, झांका, तो केवल एक लीफ बचा था उस पेपर के ऊपर. इट वॉज रेनिंग हैवीली एंड एन आइसी कोल्ड विंड वॉज ब्लोइंग. बहुत तेज थी, जोरदार बारिश हो रही थी और आइसी कोल्ड विंड मतलब बर्फ जैसी ठंडी हवा चल रही थी. इट सीम्ड एज दो द लीफ वुड फॉल एनी मिनट नाउ. ऐसा लग रहा था कि अब किसी भी मिनट, किसी भी क्षण ये लीफ गिर जाएगा. बेयरमैन डिड नॉट से अ वर्ड. बेयरमैन ने एक भी शब्द नहीं कहा. ही वेंट बैक टू हिज रूम. वो वापस अपने कमरे में गया. जॉन्सी वॉक अप नेक्स्ट मॉर्निंग. और जॉन्सी जब सुबह नेक्स्ट मॉर्निंग में उठी, इन अ फीबल वॉइस ही आस्क्ड यू टू ड्रॉ द कर्टेन. बड़ी ही वीक आवाज में, फीबल आवाज में उसने कहा कि पर्दा हटाओ. शू वॉज नर्वस. अब शू नर्वस थी उसकी ये बात सुनकर के. शी ड्रू बैक द कर्टेन्स वेरी रिलक्टेंटली. उसने हेजिटेंटली हिचकिचाते हुए कर्टेन को हटाया. ओ सी एक्सक्लेम्ड एज सी लुक्ड एट द वन क्रीपर. लुक देयर इज स्टिल वन लीफ. और फिर वो खुशी के मारे एक्सक्लेम किया, उसने चिल्लाई कि देखो बाहर अभी भी क्रीपर के ऊपर एक पत्ता है. उस ठीक क्रीपर पर इट लुक्स क्वाइट ग्रीन एंड हेल्दी. और ये जो लीफ है ये तो क्वाइट ग्रीन और हेल्दी लग रहा है. इन स्पाइट ऑफ द स्टॉर्म एंड द फायर्स विंड्स. इतनी जबरदस्त तूफान आया था, फायर्स विंड्स थी, तेज भयानक हवा चल रही थी. इट डिडंट फॉल. फिर भी ये नहीं गिरा. आई हियर द विंड लास्ट नाइट. मैंने तो जॉन्सी कहती कि मैंने भी हवा की तेज आवाजें सुनी थी. पिछली रात तेज हवा चली थी, तेज तूफान आया था. आई थॉट इट वुड हैव फॉलन. मुझे लग रहा था ये गिर गया होगा. इट विल श्योरली फॉल टूडे देन आई डाइड. रात को नहीं गिरा तो आज गिर जाएगा और फिर मैं मर जाऊंगी. यू वॉन्ट डाई. फिर से शू ने एनर्जेटिकली उसको समझाया कि तुम नहीं मरोगी. यू हैव टू लिव फॉर योर फ्रेंड. तुम्हें अपने फ्रेंड के लिए लीव करना है, जीवित रहना है. व्हाट वुड हैपन टू मी इफ यू डाई. मेरा क्या होगा अगर तुम मर जाओगी. तो जॉन्सी स्माइल वीकली एंड क्लोज द आई. जॉन्सी ने हल्के से मतलब उसकी जो स्माइल थी बड़ी वीक थी, मुश्किल से स्माइल कर पा रही थी. और उसके बाद उसने अपनी आईज को बंद कर लिया. आफ्टर एवरी आवर और सो शी वुड लुक आउट ऑफ द विंडो. हर मिनट के बाद, हर घंटे के बाद वो विंडो में से बाहर देख रही थी एंड फाइंड दैट द लीफ स्टिल देयर. उसने पाया कि लीफ अभी भी वहां पर था. इट सीम टू बी क्लिंगिंग टू द पेपर. ऐसा लग रहा था कि वो लीफ जो है अच्छे से क्लिंग हो गया है, चिपक गया है उस पेपर से और इसलिए नीचे नहीं गिर रहा है. इन द इवनिंग देयर वॉज अनदर स्टॉर्म बट द लीफ डिडंट फॉल. शाम को फिर से दूसरा तूफान आया परंतु लीफ नहीं गिरा. जॉन्सी ले फॉर अ लॉन्ग टाइम लुकिंग एट द लीफ. जॉन्स
बच्ची काफी लंबे समय तक लेटी रही और लीफ को देखती रही. देन शी कॉल्ड आउट टू शू. फिर उसने शू को बुलाया. आई हैव बीन अ बैड गर्ल. और उसने उसको बोला कि मैं कितनी बैड गर्ल थी. यू हैव लुक्ड आफ्टर मी सो लविंगली एंड आई हैव नॉट कोऑपरेटेड विद यू. मैंने तुमने मेरी लविंगली केयर की, मुझे लुक आफ्टर किया, मुझे मेरी देखभाल की और मैंने तुम्हें कोऑपरेट नहीं किया. आई हैव बीन डिप्रेस्ड एंड ग्लूमी. मैं बहुत ज्यादा निराशा में डूब चुकी थी और सैड हो चुकी थी. मुझे केवल अंधेरा नजर आ रहा था. द लास्ट लीफ हैज शोन मी हाउ वीक्ड आई हैव बीन. अब इस लास्ट लीफ ने मुझे प्रूव कर दिया है कि मैं कितनी वीक थी, मैं कितनी गलत सोच रही थी. आई हैव रियलाइज दैट इट इज अ सिन टू नॉट टू डाई. अब मुझे रियलाइज हो गया है कि ये सिन है, एक पाप है खुद से मरना, मरने की इच्छा रखना, डिजायर रखना, दैट इज अ सिन. शू हग्ड जॉनसी. अब उसकी ये बात सुनकर शू ने उसे हग कर लिया. देन सी गेव हर लॉट्स ऑफ हॉट सूप एंड अ मिरर. फिर उसने उसे काफी सारा हॉट सूप पीने को दिया और उसने उसे एक मिरर दिया. जॉनसी कॉम्ब हर हेयर एंड स्माइल ब्राइटली. जॉनसी ने अपने बालों को कॉम्बिंग की, बालों को अच्छे से बनाया और फिर ब्राइटली बहुत अच्छे से उसने स्माइल दी. इन द आफ्टरनून द डॉक्टर केम. और आफ्टरनून में डॉक्टर आया. आफ्टर एग्जामिनिंग हिज पेशेंट शू टोल्ड. और जब उसने उसको अपने पेशेंट को जॉनसी को अच्छे से एग्जामिन किया, उसने शू को बताया जॉनसी नाउ हैज द विल टू लिव. अब जॉनसी के अंदर विल है, डिजायर है जीवित रहने की. आई एम कॉन्फिडेंट शी विल रिकवर नाउ सून. अब मुझे पूरा विश्वास है कि वो जल्द ही ठीक हो जाएगी. नाउ आई मस्ट गो डाउन स्टेयर्स एंड सी बेयरमैन. अब मुझे डाउन स्टेयर्स जाना होगा और बेयरमैन को चेक करना होगा. ही इज ऑल्सो सफरिंग फ्रॉम न्यूमोनिया. वो भी न्यूमोनिया से पीड़ित है. बट आई एम अफ्रेड देर इज नो होप फॉर हिम. लेकिन मुझे डर है कि उसके जीवित रहने की अब कोई उम्मीद नहीं है. द नेक्स्ट मॉर्निंग शू केम एंड सेट ऑन जॉनसी बेड. अगली सुबह शू आई जॉनसी के बेड पर, उसके पास बैठी. टेकिंग जॉनसीज हैंड इन हर सी सैड. उसने जॉनसी का हाथ अपने हाथ में लिया और बोली आई हैव समथिंग टू टेल यू. मेरे पास तुम्हें कुछ कहने के लिए है. मिस्टर बेयरमैन डाइड ऑन न्यूमोनिया. मिस्टर बेयरमैन न्यूमोनिया से मर गए हैं दिस मॉर्निंग. आज सुबह ही. ही वॉज इल फॉर ओनली टू डेज. वो केवल दो दिन के लिए बीमार हुए थे. द फर्स्ट डे द जेनिटर फाउंड हिम ऑन हिज बेड. पहले दिन जेनिटर, जेनिटर होता है वॉचमैन जो टेक केयर करता है बिल्डिंग की, उसने उसको अपने बेड पर लेटा हुआ पाया. हिज क्लॉथ्स एंड शूज वर वेट. उसकी क्लॉथ्स और उसके शूज वेट थे, गीले थे. एंड ही वॉज शिवरिंग. और वो ठंड से कांप रहा था. ही हैड बीन आउट इन दैट स्टॉर्मी नाइट. वो उस स्टॉर्मी नाइट में बाहर था. देन दे फाउंड अ लैडर एंड अ लैंटर्न स्टिल लाइटेड लाइंग नियर हिज बेड. और फिर उसने पाया वहीं पर एक सीढ़ी और एक लैंटर्न था जो जला हुआ था, उसी के बेड के पास रखा हुआ था. There were also some brushes and green and yellow paints. वहां पर कुछ ब्रशेज भी रखी थी, ग्रीन येलो पेंट भी था. फ्लोर पर ही लेटर यानी सीढ़ी के पास रखा था. तो जॉनसी डियर सेड शू. जॉनसी डियर शू ने कहा लुक आउट ऑफ द विंडो. देखो विंडो के बाहर देखो. लुक एट दैट ईवी लीफ. उस ईवी लीफ को देखो. Haven't you wondered why it doesn't flutter? क्या तुम्हें हैरानी नहीं होती कि ये फ्लटर क्यों नहीं कर रहा है, ये हिल क्यों नहीं रहा है. When the wind blows, जब हवा चलती है पत्ता लीव हिलता नहीं है. That's Behrman's masterpiece. ये Behrman का masterpiece है. He painted it the night the last leaf fell. उसने इस लीव को पेंट किया है उस रात जब लास्ट लीव गिर गया था. So that is the end of the story. I hope you like it and you will be positive and hopeful. Thank you. Stay home, stay safe, take care of yourself.